प्रदेश भर में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की सरकार द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते विजिलेंस टीम द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम ने शिकायत के बाद आवास विकास परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात मुकेश कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बता दें कि लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस की टीम द्वारा रिश्वत देते कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जसपुर में एक शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद विजिलेंस की टीम ने संपत्ति प्रबंधन कार्यालय आवास विकास परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात मुकेश कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में हल्द्वानी के विजिलेंस क्षेत्र अधिकारी अनिल मंडराल ने बताया कि हल्द्वानी सेंटर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा न्यूट्रिशन बनाने के नाम पर रिश्वत ले रहे मुकेश कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी सेक्टर विजिलेंस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा यहाँ पर मुकेश कुमार जो सफाई कर्मचारी नाम के व्यक्ति हैं, इनको 10,000 रुपये की रिश्वत जो ये किसी व्यक्ति के शिकायतकर्ता के म्यूटेशन बनाने के नाम पर देने के नाम पर उनको उपलब्ध कराने के नाम पर ले रहे थे, अवैध रूप से ले रहे थे, तो उनको गिरफ्तार किया गया है और संबंधित उचित धाराओं में मुकदमा कायम कर भ्रष्टाचार की विवेचनात्मक कार्रवाई करवाई जाएगी। अब रिश्वत ले रहे सफाई कर्मचारी के खिलाफ संबंधित उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भ्रष्टाचार की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।